फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। तवा, चकला, बाल्टी, चम्मच, कटोरी, फ्राईदान, चिमटा, प्लास्टिक की कुर्सी, यह सूची किसी दुकान की नहीं बल्कि ड्रग माफिया तस्लीम के घर से कुर्क किए गए सामान की है। कोर्ट के आदेश पर लिए गए एक्शन के तहत यह सामान कुर्क किया गया है। पिछले 20 साल से नशे का कारोबार चला रहा तस्लीम पिछले 6 माह से फरार चल रहा है। वह कितना शातिर है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके घर में पुलिस को बेहद चालाकी से छिपाकर बनाया गया तहखाना मिला है। यह तहखाना जमीन से करीब 15 से 20 फीट नीचे बनाया हुआ बताया गया है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट ऑफ टीवी। इसमें छिपकर ही वह पुलिस को चकमा देता चला आ रहा था। पुलिस अब उसके घर की चौखट भी उखाड़ लाई है। दरअसल मेरठ के रेलवे रोड थाने के मछेरान मोहल्ले में ड्रग माफिया तस्लीम का परिवार रहता है। पिछले 6 माह से वह NDPS के मुकदमे में वांछित चल रहा है। कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद भी वह पेश नहीं हुआ तो पुलिस ने कोर्ट से कुर्की के आदेश ले लिए। सोमवार सुबह कई थानों की पुलिस ने तस्लीम के घर की कुर्की कर ली। अभी तक वह 2 बार जेल की हवा खा चुका है। इस बारे में SP सिटी विनीत भटनागर ने यह जानकारी दी। देखिए, ये तस्लीम नाम का एक अपराधी है, थाना रेलोड का रहने वाला है और इसके बारे में यही जानकारी है कि ये नशीली दवाइयों का ये व्यापार करता है, नशीले पदार्थों का। ये हमारा वांछित अपराधी है और तमाम कोशिशों के बाद नहीं मिला तो हमने न्यायालय से विधि अनुसार इसका कुर्की आदेश प्राप्त करके इसके आवास, इसके घर की जो है कुर्की करी है। और भी अधिक कठोर कार्रवाई से हम करेंगे ताकि ये उनके दबाव में आकर के ये कानून के पीछे आ जाए और इसका रिमांड में बने। हाँ, ऐसे कई अपराधी हैं और आपको मालूम है जीरो टॉलरेंस की नीति पर मेरठ पुलिस काम कर रही है इस समय। जो समाज विरोधी जितने भी अपराध हैं उनमें हमारा जीरो टॉलरेंस की नीति है। इसी क्षेत्र में आपको पता है कि नशे का व्यापार करने वाले या गाड़ियों के अवैध कटान का व्यापार करने वाले या इस तरह के जितने भी अपराधी हैं उन सभी पर हमारी निगाह है और जितना भी जो विधिक रूप से उनको हम दबाव में लेकर कार्रवाई कर सकते हैं वो हम ऐसा प्रत्येक अधिकार का प्रयोग करेंगे जो हमको विधि द्वारा प्रदत्त है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नमस्कार।